गौहर खान असॉल्ट केस में उन्हें सपोर्ट करने पूरा बॉलीवुड सामने आया, पर इस पूरे इशू से दूर नजर आए सलमान खान। और अब जूम आपको गौहर खान केस से सलमान की दूरी रखने का एग्जैक्ट रीजन बताने जा रहा है। जी हाँ, इट इज नोन दैट सलमान खान इज क्लोज टू गौहर खान। इसी के चलते गौहर को सलमान के रियलिटी शो के लास्ट सीजन में एंट्री मिलने की बात सभी को पता है। सो गौहर के साथ रिसेंटली हुए असॉल्ट केस के बाद ये काफी सरप्राइजिंग था कि इस मुद्दे पर जब सारा बॉलीवुड केम आउट इन सपोर्ट ऑफ हर, तो सलमान ने इस इशू पर कुछ क्यों नहीं बोला। नतीजा, गौहर ने जब बॉलीवुड से मिले सपोर्ट के लिए अपना शुक्रिया अदा किया, तो उसमें शामिल नहीं था सलमान खान का नाम। आई थिंक फरहान अख्तर बहुत ओपनली वॉइस करने अपना ओपिनियन, उन्होंने एक मर्द कैंपेन शुरू किया है। ऐसे बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि हाउ डेयर ही। वेल, तो बता दे कि सोर्सेस की माने तो गौहर को सपोर्ट करने वाले सेलिब्रिटीज में सलमान खान का नाम शायद इसीलिए सामने नहीं आया क्योंकि असॉल्ट के इंसिडेंट के बाद सलमान ने पर्सनली गौहर को कॉल किया था और उनसे उनका हालचाल पूछा था। सलमान ने पूरे इंसिडेंट के बारे में जानकारी ली और ये समझने की कोशिश करते रहे कि ये सब कैसे और कहां हुआ। साथ ही ये दिलासा भी दिया कि अगर गौहर को किसी चीज की जरूरत हो तो वो उन्हें बेहिचक बता दे। पर सलमान ने सोशल मीडिया पर इस बारे में बात करने से परहेज रखा, as he thought that इससे उस न्यूज को और भी ज्यादा इम्पोर्टेंस मिल जाएगी। वेल, ऐसा पहली बार नहीं है जब सलमान ने अपने किसी क्लोज सेलिब्रिटी फ्रेंड के लिए अपने कंसर्न को छिपा कर रखा। इससे पहले जब प्रीति जिंटा केस पर सलमान से उनका रिएक्शन मांगा गया था तो उन्होंने कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया था, और शायद इस बार भी गौहर खान के केस में अपनी बात दिल में रखकर वैसा ही कुछ कर गए हैं सलमान खान। और इलेका श्रीवास्तव, जूम, मुंबई।